हेलो, आज मेरे भतीजी मेरे साथ है घर में। उन्होंने यहाँ मेरे साथ पूरा दिन गुजारा, पूरी रात गुजारी और फिर पूरा दिन गुजारेगा। तो मैंने सोचा कि हम साथ साथ कपकेक्स करेंगे और बिस्किट्स। तो मैं कपकेक्स को तैयार करती हूँ और फिर हम साथ साथ डेकोरेशन करेंगे। तो केक्स के लिए हमें ये सब की जरूरत है। तो ये ओवन में जाएगा कपकेक्स करने के लिए। ओके, हमें 250 ग्राम्स आटा चाहिए, 120 ग्राम्स शुगर, हमें एक बेकिंग पाउडर चाहिए। पहले तो हम हर ड्राई इंग्रेडिएंट्स करेंगे। दो वनीला शुगर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। हम थोड़ा सा बटर डालेंगे उसमें, थोड़ा सा बटर क्योंकि मैं तेल भी डालूंगी। अगर बटर नहीं डालना तो ज्यादा तेल, अगर तेल नहीं डालना तो ज्यादा बटर डालेंगे। ओके, फिर हम एक छोटी सी जगह यहाँ करेंगे, सुरी चुहा, जहाँ हम अंधे दो अंधे आज करेंगे। एक दो, तेल भी डालेंगे तकरीबन 80 मिलीमीटर और दूध भी डालेंगे और फिर हम ये सब मिक्स करेंगे। ओके दोस्तों, इट्स रेडी। हम यहां दो चम्मच चॉकलेट लगाएंगे। अब बच्चे को सो रहे हैं। ये एक चम्मच है और ये दूसरी चम्मच है और ये इसलिए ताकि हम कुछ कपकेक्स चॉकलेट्स के साथ करेंगे। और ये वाला चॉकलेट जो सुलेमान को बिल्कुल पसंद नहीं था, अगर आपको याद है। सो वाला, और हम यहां थोड़ा डालते हैं, आधा बस वाला। अभी हम कपकेक्स करेंगे। तो हमने कपकेक्स चॉकलेट के साथ कर लिया और वनीला के साथ कर लिया। Bon les enfants, maintenant vous devez choisir deux cupcakes. J'en ai fait au chocolat, j'en ai fait à la vanille. Chocolat, vanille. यहाँ मैं बच्चों से पूछ रही हूँ कि उनको कौन सी कपकेक चाहिए, चॉकलेट वाला या वनीला वाला। D'accord, un grand chocolat, un petit vanille. Je veux un grand chocolat. Et toi, Ina? Et un petit chocolat. Deux grands chocolats.
हमारे दूसरी रेसिपी के लिए हम एक बिस्किट करेंगे और बच्चे शेप दे देंगे उस बिस्किट को। तो इसके लिए हमें 150 ग्राम आटा, 100 ग्राम बादाम का पाउडर, आलमंड पाउडर, 100 ग्राम चीनी यानी शुगर, थोड़ा सा नमक, आधा पैकेट बेकिंग पाउडर, बस एक अंडा, वाला दो वनिला शुगर, हंड्रेड ग्राम बटर जो हम मिलाए आटा के साथ और दूध। बिस्मिल्लाह, लेट्स स्टार्ट। हमें ठीक से सब कुछ मिलाए और फिर आधा घंटा तक फ्रिज में रख देंगे और फिर शेप हो सकते हैं और फिर हम ओवन में डालेंगे। That's it. मैं कमेंट्स बार में लिखूंगी कि कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए और क्वांटिटी भी। Bon, vous essayez tous au moins de faire 2-3 biscuits. Oh, mais si tu arrives à faire plus, tu peux faire plus. Mais alors, il faut prendre les petits et je vous explique. Attends. Ok. Voilà. Ok, दोस्तों अभी बच्चे काम कर रहे हैं और मैं उन लोगों को ये बता दिया कि क्या क्या कहना है और अभी वो सब करेंगे साथ साथ। ओके 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 बाबो लेट्स गो। बच्चों ने इतना अच्छा काम कर लिया कि बाद में हमने स्पैगेटी खा लिया क्योंकि उनको स्पैगेटी बहुत पसंद है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है।